बाऊ जी, मेरी बस छूट गई है, क्या आप मुझे अगले गांव तक छोड़ सकते हैं? मेरा गांव पहुंचना बहुत जरूरी है। हाँ हाँ जरूर आइए आइए। जी, बहुत शुक्रिया। गांव कौन सा तुम्हारा? जी, वो अगले मोड़ से ही दाएं लेंगे ना, बस वही जो गांव है, बंसुली गांव। ठीक। बाऊ जी, ये जो रास्ता है ना, बस यहीं से दाएं ले लीजिएगा। अरे बाऊ जी, हमें दाएं लेना था, या बाएं क्यों लेके जा रहे हैं? अरे, और यहाँ गाड़ी क्यों रोक दिया आपने? ये मैं इतना बेवकूफ थोड़ी हूं कि तू जैसी परी पाने के बाद यूं ही जाने दूं। क्या कर रहे हैं आप? ये छोड़िए, मैंने कहा छोड़िए मुझे। कहा ना छोड़ दीजिए। ये हुई न बात, अब आएगा मजा। बड़ी शानी है तू। और बड़ा बेवकूफ है तू। जीना, का तू मेरा शिकार कर रहा है? ये बिना जाने कि तेरा शिकार मैंने किया है। कौन तू? कभी चिड़ेपी का नाम सुना है? एक चुड़ैल जो अपने हुस्न की ताकत और तुम्हारी हवस की कमजोरी से तुम्हारा खून चूस लेगी। ये तो यही है। एक मिनट, तुम अंदर नहीं जा सकते। मैं वैष्णवी से मिलना चाहता हूँ, उसके लिए रोज लाया हूँ। उसको फोन ट्राई कर रहा था, फोन बंद आ रहा है। इस फोन क्या, तुम्हारे लिए घर भी बंद है। चल चल बाहर निकल। हाथ हटा वरना। वरना क्या? तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम बिना सीन क्रिएट किए यहां से निकल जाओ। सीन तो अब क्रिएट होगा मैडम, ये रोज तो मैं वैष्णवी को देकर रहूंगा। इस कमरे में ठीक से कैद नहीं कर पाई, तभी तो तुम यहां से छूटने की कोशिश कर रही। पर अब नहीं, अब तुम इस कमरे से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे, कभी नहीं। हाहाहाहा
कहते हैं, कैट ने भी कैट। ये मकड़े जल्दी करना। डैड के आगे किसी की नहीं चलती। ये क्या तरीका हुआ? मेरी बेटी को घर पे कैद, और क्या कसूर है मेरा? जिससे मैंने प्यार किया उसके डैड के साथ उनकी नहीं जमती। कम से कम फोन तो दे देते। आई नो रतन मुझसे बात करने के लिए तड़प रहा होगा। वैष्णवी, यतन की आवाज। यतन, वैष्णवी, यतन तुम यहां? आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू। मेरे डैड ने शादी के लिए हां कह दी। अब तो मैं तुम्हें ऑफिशियली प्रपोज कर सकता हूं। वैष्णवी दत्ता, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यतिन, सिर्फ तुम्हारे डैड ने हाँ की है, मेरे डैड ने नहीं। तो क्या हुआ? तुम्हारे डैड को भी मनवा लूंगा। प्यार की ताकत बहुत बड़ी होती है। यतिन, तुम मेरे डैड को नहीं जानते। और तुम्हारे डैड मुझे नहीं जानते। जो मैं चाहता हूं वो पाकर रहता हूं। बस तुम शादी के लिए हाँ कह दो। कैसी हो चिड़ीपी, और यहाँ क्या कर रही हो? अपने अगले शिकार का इंतजार दी थी माता। तो आओ बैठो, उस तक मैं तुम्हें ले चलती हूँ। लेकिन जो करना है, कैसे करना है और कब करना है, मैं तुम्हें बताऊंगी। ओह, तो सिक्योरिटी सही थे तो आ तो गया यहां पे, लेकिन जिंदा वापस नहीं जाएगा। पापा नहीं, प्लीज प्लीज गोली मत चलाना। यहां आकर इसने खुद अपनी मौत को दावत दी है। पापा प्लीज, यतिन, पापा, पापा प्लीज, पापा प्लीज। ये क्या कर दिया वैष्णवी ने? मुझे बचाने के लिए उसने अपनी जान,
नहीं नहीं, अगर वैष्णवी को कुछ हो गया तो हम नर्क का द्वार कभी नहीं खोल पाएंगे। Thank you.